ये क्या हो रहा है? ये पता नहीं दोनों की हेल्थ नहीं जा रही थी भी। ओह माय गॉड, गजब लग रहा है यार। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं मॉब बैटल का चैलेंज। गाइस, आज यहाँ पे हम लोग डिफरेंट मॉब स्पॉन करेंगे। दीदी अपने रेड साइड में, मैं अपने ब्लू साइड में, और आयुष हम लोग डिफरेंट लुक्स में भी है। अरे बिल्कुल, आज तो हम लोग एकदम म्यूजिकल मूड में है। बहुत मजा आने वाला है इस मॉब बैटल में। यू बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो दीदी, क्या तुम इस राउंड वन के लिए रेडी हो? देखते हैं तुम कौन सा मॉब स्पॉन करती हो। मैं अपने ब्लू साइड में आ चुका हूँ, तुम अपने रेड साइड में जाओ। मैं एकदम रेडी हूँ। रेडी। तो चलो ये मॉब बैटल को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम लोग ये स्पॉन कर रहे हैं भाई, ये है आर्कियाइक सेंटिनल। वो मैंने दो स्पॉन कर दिया है, बहुत मजा आएगा। और ये हमारी टीम ब्लू से है, तो इसे हम लोगों ने टीम ब्लू में दे दिया है। और दीदी अपने टीम रेड में करेगी। और मैं भी बहुत ही गजब का स्पॉन कर चुकी हूँ आयुष। ओह माय गॉड, जब फाइट में जब जीतोगे ना तब पता चलेगा। ओके, देखा जाएगा। तो गाइस, ये मैच को प्रारंभ किया जाए। क्वीन बी को स्पॉन किया है ना। ओह माय गॉड, तुमने किसे कर दिया स्पॉन? घूम रहा है, क्या हो रहा है? अरे क्वीन बी की हालत गई दीदी, तेरी क्वीन बी गई। बहुत ज्यादा तो मरने वाली है यार। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तूने कितने स्पॉन कर दिए ये देखो। ये तो एक को तो मार ही दिया है और दूसरा वाला को वहाँ ढूंढ रहे हो। मुझे तो पूरा का पूरा हनी ब्लॉक ही निकाल दिया है यहाँ। और यहाँ पर ये देखो, इनको भी मारने के लिए गया है। और ये कैसे गोल गोल घूमता है यार, सबसे ज्यादा मजे की बात तो यही है। ये तो तेरी हनी भी फिर से गई थी, मेरे वाले को तो थोड़ा सा डैमेज आया एकदम। यार ये लोग बहुत कमजोर क्यों है यार, मैंने भी। और वो ये सबसे ज्यादा मजेदार ये की ये स्पिन करते रहते गोल गोल, देखो ना। इनके पीछे जाना कितना मुश्किल काम है यार, ये देखो ना। और यार तुम्हारे यहाँ पे बहुत सारे ये छोटे छोटे बच्चे भी स्पॉन हो गए, देखो ना। और हाँ, ये रात हो गई। अरे रात में इनका रंग बदल गया, इन्होंने मेरे को भी फेंका। ओह माय गॉड, गजब लग रहा है यार ये तो देखने के लिए। मैं जीत गया हूँ, ये देखो। क्वीन गई। यस गाइस, फटाफट से ब्लू हर्ट्स स्पैम हो जाना चाहिए, ब्लू टीम जीती है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे अभी तो और मजा लेने दो भाई। हिल गई थी धरती, हिल गई पूरी की पूरी, पता नहीं क्या हुआ। वापिस से दिन हो गया, देख ना ब्रो। अरे यार ये ऐसे ही मार देगा, देखो ना क्या कम होगा। ये देखो हनी भी गई, एक का तो आधा हेल्थ जा चुका है दीदी। तुम क्या नहीं, यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं। दूसरी वाली को तो वो देखो अकेला कूट रहा है, यहाँ पे ये इसको कूट रहा है। जाने वाला है यार। और ये हम लोग जीत गए। यस गाइस, रेड टीम को हरा दिया हम लोगों ने। ये लो, ये दुखी का टीम सुनो। मजा आ गया यार, बहुत मजा आ गया। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट राउंड में जरूर जीतूंगी। ओके, तो चलो अभी राउंड टू की शुरुआत की जाए। ओके दीदी, राउंड टू के लिए रेडी हो जाओ, जाओ मॉब स्पॉन करो। यस, मैं तो बहुत ज्यादा रेडी हूँ ब्रो। तो गाइस, राउंड टू के लिए हम लोग करने जा रहे हैं ये नेदर स्क्वाड स्पॉन। वो ये देखो, ओ माय गॉड, ये क्या है? ये देखो, ओहो हो, ये तो भाग रहा है भाई इधर उधर, देखने में कितना खतरनाक है भाई। ये तो कोई इंसेक्ट जैसा है यार। और एक और कर देते हैं, दो कर देते हैं, मजा आएगा। दीदी क्या तुमने स्पॉन कर दिया है? यहाँ पर हमारी ब्लू टीम पूरी रेडी हो चुकी है। अरे हाँ, मैंने भी खतरनाक कुछ एकदम स्पॉन कर दिया है ब्रो। ओ, मुझे समझ में आ रहा है तुमने क्या स्पॉन किया है। तो ये फाइट शुरू होती है। वो भाई, ये क्या किया तुमने? उछल उछल के मार रहा है यार। ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? बॉम्ब फेंक रहे हैं ऊपर से। ये तो भाई धरती हिल रही है दी। और ये मेरा इक्वाना किंग मरने वाला है भाई, इतना कम हेल्थ हो गया उसका। ये उछाल कौन रहा है? सब ये साउंड देखो, ये साउंड देखो, गजब साउंड आ रहा है यहाँ पे। पूरा इक्वाना किंग तो मर चुका है, जमीन टूट चुकी है, इस पे आग लग चुकी है। चिल्ला कौन रहा है यार भूत की तरह? तेरा इक्वाना किंग तो गया दी। ये तो गलत हो गया है, ये कुछ गलत लग रहा है मुझे, कुछ गलत लग रहा है। अब तूने दो दो स्पॉन कर दिया यार। ओ माय गॉड, ये इग्वाना किंग इनको उछाल रहा है दीदी।
भाई भाई साहब पूरा उछाल उछाल के इन लोग ने जमीन तोड़ दी है। माय गॉड मुझे डर लगने लग गया है, मुझे डर लगने लग गया यार, मेरा चेहरा हिल रहा है पूरा। ओ माय गॉड, इवाना किंग की हालत टाइट है लेकिन सच में यार, क्योंकि ब्लू हर्ट स्पैम हो रहा है दीदी, ब्लू हर्ट स्पैम हो जा रहा है यार, इवाना किंग तो मर चुका है। तो फिर से हम लोग जीत गए राउंड टू। ये तो गलत बात है यार, तुम्हें 2 पॉइंट मिल गया और मुझे अभी तक 0 मिला है। यस यार, ये तो सही बात नहीं है, इस बार तो मैं जीत के रहूंगी, आज ऐसा स्पॉन करूंगी ना, ऐसा स्पॉन करूंगी तो देखते रह जाओगे। ओके चलो फिर राउंड 3 की तैयारी करें। ओके तो गाइस यार, ब्लू टीम तो जीते जा रही है। कोई नहीं कोई नहीं, इस बार तो मैं जीतूंगी जीतूंगी आयुष। तो चलो फिर राउंड 3 के लिए मेरा तो मॉब रेडी है। Yeah, I am so ready. तुम अपना स्पॉन करो, मैं भी करता हूँ। तो मैंने तो स्पॉन कर दिया है और मैं अभी करूंगा तो यहाँ तहलका मच जाएगा, देखना भी। देखेंगे देखेंगे, ये कर दिया मैंने भी स्पॉन, और ये देखो ये है कॉस्मिक फ्रेंड, कॉस्मिक मॉन्स्टर। ओ माई गॉड, इसे हम लोग दे देते हैं ब्लू टीम का नाम। भाई ये ब्लू टीम का नाम में आ रहा है कि नहीं पता नहीं। ओ माय गॉड हो गया, ये ब्लू टीम में आ चुका है गाइस, ये हमारी टीम में है अब। ओ माय गॉड मैं इसके मुंह में चला गया, मेरे को डर लग रहा है। ओह शिट, और दीदी ने भी कर दिया है, तो दीदी तुम रेडी हो? हाँ मैं एकदम रेडी हूँ। भाई ये है क्या खतरनाक। ओ माय गॉड ये तो दीवार ही तोड़ के आगे निकल गया और यहाँ धरती हिल रही है। बाप रे बाप, और कितना भयंकर साउंड मचा रहा है आयुष। भाई मेरा कान फट चुका है। ये क्या, इसको मेरे को लगता है खड्डे के अंदर ही डाल के छोड़ेगा, देखो ये क्या हो रहा है। ये पता नहीं दोनों की हेल्थ नहीं जा रही दीदी, नहीं बिल्कुल नहीं जा रही, पर जमीन जरूर अंदर जाई जा रही है। भाई धरती हिल चुका है पूरा, और हाँ कितना खड्डा हो गया है। ये लोग वॉइड के अंदर ही जाएंगे देखना पक्का। ना तो ये उसको मार पा रहा है ना वो इसको मार पा रहा है, दोनों के दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये देखो मेरा फेररस सारा जाने वाला है खड्डे में, इतना ही पता है मुझे। ओ हाँ, इसने यूनिक स्ट्रेटजी अपनाई, ये बहुत इंटेलिजेंट है इसका मतलब। ये सच में इंटेलिजेंट तो लग रहा है, पर मेरा फेररस का क्या होगा। भाई जग जाओ, तुम लोग इसको मार लो। माय गॉड डर लग रहा है दीदी बहुत ज्यादा। डरने की क्या बात है यार, पर ये खड्डे पे खड्डे क्या जा रहे, देखो ना। अगर मैं इससे फाइट करता तब क्या होता। कुछ नहीं, तुम एक सेकंड में मर जाते। भाई साथ में ब्लू ब्लू में कुछ छोड़े जा रहे, देख ना ब्रो आग फेंक रहा है शायद। नीचे में तो ऐसे चीन 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 आवाज भी आ रही है। तो कैसे कोई स्ट्रॉन्ग हो सकता है, दोनों का एकदम भी हेल्थ कम नहीं हुआ है यार। और ये मारने की कोशिश तो कर रहा है फेरस नाइट। ये बेचारा मेरा फेरस कैसे मारे, ये तो उड़े जा रहा है। तो एकदम नीचे तो चल, एकदम नीचे। ओ देखो एक गया, एक फेरस गया, एक फेरस गया, एक फेरस की हेल्थ गई। हिंदुस्तानी गेमर आयुष, एलजी गेमिंग, अतुल गेमिंग, टोटल गेमिंग एमके, राहुल गेमिंग प्रो, आर्क न्यू शॉर्ट्स, नवनीत बॉस, मानव मानव, और कमेंट में आकाश को थैंक यू सो मच मोर गैंग, तुम लोगों का सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। सब्सक्राइब करने के बाद तुम लोगों को ज्वाइन बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके तुम लोग कोई भी पर क्लिक चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। मैं तुम लोगों को शाउट आउट देता हूं डिस्क्रिप्शन में, तुम लोगों का नाम होता है, तुम लोगों का सपोर्ट ही सब कुछ है। तो चलो देखते फाइट का क्या हुआ। पर मैं हेल्प करने वाली हूं इसे मार। कॉस्मिक का थोड़ा सा हेल्थ गया, कॉस्मिक का हेल्थ गया है। मार रही हूं ना उसको। अब तुम्हारे मारने से कुछ नहीं हो रहा है समझा, तुम्हारे नाजुक हाथों से कुछ नहीं हो रहा है। दूसरा फेरस भी गया, जाने वाला है, मेरे को लगता है वॉइड में गिरने से पहले ही मर जाएगा ये लोग। मैं इसको मारूंगी। अबे ओए नीचे, मैं फेरस को मारूंगा फिर। ये लो। नहीं यार ऐसे नहीं होता है, मेरे मारने से तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ए, गया, एक फेरस गया, एक फेरस गया। ओ शिट यार ये तो जाने वाला है। यस। ये देखो बेचारा कितना स्ट्रांग है यार तुम्हारा वाला। अभी लगता बस वॉइड को ये लोग टच कर ही नहीं वाले हैं। और एक गया दीदी फेरस। शिट यार इसको मार, इसको मार, इसे पकड़ के जेल के अंदर डाल देना चाहिए जैसे मैंने तुम्हें डाला था एक वीडियो में। हाँ मैं भी तो डाला था, मैंने चीटिंग किया था तब। वॉइड में जाने से पहले ये फेरस मरने वाला है, थोड़ा सा ही है दीदी, वो दिख रहा मेरे को वॉइड नीचे। मेरा फेरस मरने वाला है वो तुम्हें नहीं दिख रहा क्या? अरे ये तो मैं भूल ही गया था शिट। इसका मतलब वॉइड से पहले ये मर जाएगा, इसका मतलब ये वॉरफेयर हुआ दीदी, ये वॉरफेयर है। ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, बिल्कुल फेयर है। ये आसमान में उड़ रहा है, मेरा वाला नीचे था, मेरे को क्या पता था, तो मैं भी उड़ा। अरे फेरस रीजनरेट किया थोड़ा, ये
रीजनरेट करने की कोशिश करता है। अच्छा इसे रीजनरेट होने दो और इसे मैं मार दूं। अरे जब तक मारता है तब तक वो फेरस अपना कॉस्मिक ऊपर उड़ जाता है, फेरस मार ही नहीं पा रहा है, इसका तो थोड़ा ही अंदर दबा। ये देखो कितना स्लो है ये। ये आ गया बेडरॉक दीदी, अभी देखते हैं बेडरॉक तोड़ दिया। अरे नीचे गिर गया क्या? अरे कॉस्मिक भी नीचे गिर गया, ये क्या ये क्या हो गया दीदी? इधर नीचे जा रहा है, बाय बाय कॉस्मिक। मत चली जा रहा नीचे, कॉस्मिक भी मर रहा है। आयुष इसका मतलब ये तो टाई हो गया है ब्रो। यार कॉस्मिक भी नीचे गया, तुम्हारा कॉस्मिक ने बहुत दिमाग लगाने की कोशिश करी है लेकिन वो खुद भी इस जाल में फंस गया। अब खुद जा रहा है, देखो वो मर रहा है, इसका मतलब चलो ये टाई हो गया। अब मेरे पास बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक। चलो ठीक है, इसे हम लोग टाई मान लेते हैं क्योंकि वो बेचारा जमीन पर था, वो आसमान में था। तो गाइस पॉइंट्स हो गया है 2-0, लेकिन अभी टाई हो गया है तो ये हो चुका है 3-1। ओके तो मतलब दोनों को एक एक पॉइंट्स मिला है। यस, लेकिन दीदी मैं तुम पे एक एहसान कर रहा हूँ। अच्छा क्या एहसान हो रहा है ये भी बताओ। ब्लू टीम एक बात बोलती है कि ये वाला राउंड जो जीतेगा वो पूरा गेम जीत लेगा। ये तो मेरे लिए एकदम फायदे की बात हो गई है ब्रो, इसमें तो मेरे को जीतना ही पड़ेगा फिर। यस, और ये वाला मैं तुम पे थोड़ा सा रहम भी करूंगा इस पे, तो तुम अपने रेड साइड पे हो, मैं चलता हूँ ब्लू साइड पे। ज्यादा मैं टफ स्पॉन करने नहीं वाला। चलो मैं तो बहुत टफ स्पॉन करूंगी, बहुत टफ। तो गाइस मैंने दीदी का बस ऐसे ही बोल दिया, लेकिन हम लोग यहाँ पे ऑकलैंड म्यूटेंट वाला और हस्क म्यूटेंट वाला स्पॉन किए हैं। अरे काफी सारा करेंगे हम लोग। ये देखो दीदी की पूरी बैड बच जाएगी। दीदी को आप लोगों ने इससे ट्रोल भी तक किया था, दीदी पूरी डर गई थी। और ये सारे के सारे हमारे ब्लू टीम में आने वाले हैं, ये सब के सब ब्लू टीम रजिस्टर हो गए हैं। तो दीदी मेरा मॉब्स रेडी है, क्या तुम्हारा रेडी हो गया है? हाँ मेरा भी ऑलमोस्ट रेडी है। तो चलो फिर ये फाइट को शुरू करते हैं। हाँ, स्टार्ट। ओ, ये लोग तो भाई दीवार तोड़ के चले गए। अभी ये क्या भाई, इतना इन लोगों वो हो रखा है, ओ माय गॉड, एक दूसरे को मारने के लिए लगे पड़े। भाई तुमने यहाँ पे हॉगलिंग स्पॉन किया है। अरे दी पूरी सिटी हिल गई, ये क्या हो गया है, मुझे नौसिया लग गया है। अबे मेरे को ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है, पर हॉगलिंग बहुत बड़ा, मतलब एकदम कुछ एरिया एकदम फेंके जा रहा है। ओ माय गॉड, ये हो क्या रहा है, ये मार कौन रहा है इस तरीके से, मुझे समझ मेरा, में नहीं आया। मैंने तो ब्लेज स्पॉन किया था, मेरा ब्लेज कहाँ है, मेरे को दिख ही नहीं रहा है। ओ ये रहा एक ब्लेज, मेरे को भी नहीं दिख रहा। अरे मेरा हॉगलिंग और ज़ॉम्बी जिंदा है दीदी। दीदी ओ शिट, मेरा ब्लेज तो मर गया है। यस, ब्लू टीम जीत गई। यार ये तो गलत बात है, ऐसे नहीं होता है ब्रो, ऐसे नहीं होता है। अरे तुम कितना स्पॉन कर लो। अरे आराम से मार दिया जाएगा, ये देखो। अरे मेरा हस्क लेट गया यहाँ पे, देखो ये आराम कर रहा है। अरे अभी देखो ब्लेज ही जिंदा बड़ा है, देखो 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 आयुष, यहाँ पे हॉगलिन और ये ब्लेज तो भाई खतरनाक लड़ रहा है। यहाँ पर ये लोग दोनों शांति से गए, ये देखो इसको दबा दिया इसने। ओ भाई उठा उठा के फेर है। हाँ। ये देखो ये तो तुम्हारा हाउस बहुत लड़े जा रहा है ब्रो, देखो देखो मेरा भी ब्लेज एकदम कम नहीं है, इसे पूरा मार रहा है देखो। और तुम्हारा ये हस्क मर गया है अब। मुझे यहाँ पे तुम्हारा ब्लेज कैसे बच गया? तो गाइस यार तुम लोगों को क्या लगता है ये मैच कौन जीता है, रेड टीम या ब्लू टीम, फटाफट से कमेंट में बताओ। ऑब्वियसली मैं, क्योंकि तुमने बोला था कि लास्ट में जो जीतेगा वो जीतेगा। तो मैं भी तो जीता था, मैं भी जीता था, लेकिन ये ऑडियंस ही बताएगी। ये तो यहाँ पे तुमने चीटिंग किया है। तुम लोग बताओ, और तुम लोग को स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रही है तुम लोग उसे जाके देख सकते हो। तो चलो हम लोग बोलते हैं उस वीडियो में बाय बाय।